सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वेतन हक्काचे, समायोजन लगातार 26 दिनों से महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय समिति के शिक्षक मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे हैं। कई दिन से लगातार अनशन करने के बावजूद सरकार से कोई जवाब ना मिलने पर आज भी सारे शिक्षक बड़े तादाद में मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री को मिलने निकले। शिक्षक अपने ही हक का पिछले 26 दिनों से 7 साल का थकित वेतन मांग रही है, पर सरकार उनको कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनके विरोध में शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जो शिक्षक होते हैं वो शांत प्रिय प्राणी होते हैं, ऐसा शिक्षक के ऊपर लेबल लगा हुआ है और शिक्षक कभी भी हिंसक आंदोलन नहीं करता है। लेकिन 25-26 दिन से हम यहाँ पे शांति का मार्ग अपनाए हुए, लेकिन सरकार ने हमारी बातों को ध्यान में नहीं लिया और आज तक हमारी मांगे क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं ली। तो इसीलिए अभी हमने 5 तारीख को उनको अल्टीमेटम दिया था, आज कम से कम 2-3 तारीख आज हो रही है और 2-3 दिन की हम अपेक्षा कर रहे हैं। 2 दिन में हमारा जी आर निकल जाए और हमारा समायोजन हो जाए, लेकिन सरकार की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आने की वजह से आज हमें हिंसक आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ा और हम मुख्यमंत्री के शासकीय निवास स्थान वर्षा बंगला के ऊपर हमारा कहना जो है उनसे कहने के लिए यहाँ से जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमको जाने नहीं दिया। हमारे कुछ लोगों को धक्का बुक्की यहाँ पे हुई और उसमें से खास करके मेरे को भी उन्होंने बुरी तरह से धक्का लिया। मैं ऊपर था तो ऊपर से मुझे नीचे फेंक दिया, वो अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, तो आज इधर मैं मेरा इधर कुछ भी हो सकता था। और इतना पुलिस प्रशासन का दबदबा यहाँ पे और सरकार ये पुलिस के प्रशासन के ऊपर से ये पुलिस को दबा के हमारा आंदोलन यहाँ पे दबाना चाहती है, लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं आप इतना भी दबाओ, हम दबने वाले नहीं और इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन हम अभी करके रहेंगे और हम हमारा समाज यहाँ पे लेके रहेंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा हुआ है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, आप देख सकते हो कि शिक्षकों के साथ में इस सरकार का इस महाराष्ट्र सरकार का फडणवीस सरकार का क्या विकास हो रहा है। आज आप देख सकते हैं सभी विशेष शिक्षक अपने हक के लड़ाई के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो पानी नहीं देखते हैं, बारिश नहीं देखते हैं, भूख नहीं देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे अपने मांगों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज महाराष्ट्र के हर जिले से, हर तालुके से, हर देहात से यहाँ पर विशेष शिक्षक आए हुए, पूरे महाराष्ट्र में पूरे 1358 विशेष शिक्षक यहाँ पर हाजिर है, लेकिन इस सरकार को इन विशेष शिक्षकों से या इनके परिवारजनों से कोई लेना देना नहीं है। आज आप देख सकते हैं जो सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे वो आज यहाँ पे कहीं भी उनके पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सरकार से शिक्षक वर्ग, किसान वर्ग या मजदूर वर्ग कितना खुश है और कितना ना खुश है। मैं सिर्फ आपके जरिए इस सरकार से यही विनती करना चाहता हूं कि जो भी हमारी जो जायज़ मांग है वो पूरी कर दे और हमको आगे जीवन जीने का एक मौका दिया जाए। अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं और हमारी 5 तारीख भी बहुत जल्दी आने वाली है। 5 सितंबर को हम सब 1358 विशेष शिक्षक और परिचर आत्मदाह करके हमारी जीवन यात्रा खत्म करने वाले हैं इस आजाद मैदान पे। हम ये पहले से भी सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं और वो दिन अभी बहुत नज़दीक आ चुका है। कल से हमने प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन पे वर्षा बंगले पर हम गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए शांतिप्रिय मार्ग से जाएंगे, लेकिन कल भी हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, आज भी हुई है और हमारा आंदोलन है ये जो दड़पने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे इस योजना के अंतर्गत कार्यरत 8 शिक्षकों ने अब तक अपना बलिदान दिया है, उनके परिवार आत्महत्या की है और उनके जो परिवार है आज लाचार बेबस है, उनके तरफ शासन का ध्यान नहीं है। हम सब बेबस और लाचार लोग उनके घर पे लोग भीख मांगने के लिए, इतनी खराब परिस्थिति हो गई उनकी भीख मांगने के लिए। और आज देखिए आप हम गेट के पास जा रहे थे लेकिन पुलिस ने हम पर बहुत ज़बरदस्ती की, हमारे महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई है और काफ़ी सारे दोस्तों का हमारे चोटें भी आई है। अभी सवेरे सवेरे जब हमने
अन्न त्याग आंदोलन भी किया था, उसमें हमारे 3 जो विशेष शिक्षक थे उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, उनको अस्पताल लेके गए हैं, फिर भी इस शासन को जाग नहीं आया है, ये शासन हमारी दखल नहीं ले रहा है, ये शासन अब हमारा हमारी जान लेकर ही मानेगा, हमें खत्म करके ही मानेगा, ये शासन अब हमारा दुश्मन हो चुका है। 26 दिन से इधर बैठे है, फिर भी सरकार को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि वो अंधे हो गए या बहरे हो गए, क्या गूंगे हो गए, समझ में नहीं आ रहा है। आज हम बारिश में भीग रहे हैं, फिर भी उनको दया आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है। हमारी एक महिला शिक्षिका है, वो चक्कर आके गिर गई है स्टेज पे, पर कोई उन्हें सुविधा देने के लिए भी कोई पुलिस वहाँ पे नहीं आए, कोई उनको दवाई लेके भी वहाँ पे नहीं आए, देखने के लिए भी पुलिस वहाँ पे नहीं आए। हम 8 लोग हमारे आत्महत्या कर चुके हैं। हम अभी वर्षा बंगले पर जाने के लिए गेट पर आए तो पुलिस ने भी हमें धक्का देके, लेडीज लोगों को जेंट्स पुलिस ने धक्का देके ढकेल दिया है, और इतने बारिश में हमें नीचे गिरा दिया है। हमारे कुछ शिक्षकों ने मुख्यमंत्री की प्रेत यात्रा भी निकाली यहाँ पर, देखते हैं अब बारिश में भी उनके आंखों से आंसू निकलते हैं या हमें वह 5 तारीख को मरते हुए देखते हैं, ये देखते हैं हमारे हम अभी, क्योंकि भाजपा सरकार कहती है कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगी, पर हमारा ही रोजगार हमें वो नहीं दे रहे हैं तो बाकी रोजगारों को रोजगार क्या देंगे? हमारा हक हमें नहीं दे रहे तो बाकी को क्या हक देंगे? हमारा हक हमें चाहिए, हमारा समायोजन हमें चाहिए, हमारा थकित वेतन हमें चाहिए, वरना सबकी प्रेत यात्रा निकालने के लिए मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़ेगा। समायोजन भारत पाहिजे, समायोजन भारत पाहिजे, समायोजन भारत पाहिजे।